सच, सारे संसार की सुंदरता जैसे आज मेरी पुत्री में समा गई हूं। बस अब तुम्हें किसी की बुरी दृष्टि ना लग जाए। बारात आ गई, बारात आ गई सखी। जिनके भाग्य में साक्षात सुंदरता की ये देवी है, वो मेरे दामाद स्वयं कैसे दिखते हैं, मैं भी तो देखूं जरा। आइए आइए महारानी, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। देवऋषि, आपने तो कहा था कि शिवजी बड़े दिव्य और अनोखे हैं, क्या इन सभी दिव्य ऋषि में से कोई एक है वो? ये तो सप्त ऋषि हैं महारानी, शिव तो इनसे भी अधिक दिव्य हैं। क्या वो है शिवजी? नहीं नहीं महारानी, ये तो संसार के संचालक प्रभु श्री नारायण हैं, मेरे प्रभु नारायण नारायण। हे भगवान, कौन है ये सब? ये तो शिव के गण है महारानी। भूत प्रेत, पिशाच निशाचर, अघोरी पशु, और ये सब शिव को बहुत ही अधिक प्रिय हैं। इसीलिए तो स्वयंभू शिव भूतनाथ पशुपति कहलाते हैं। अब की बार आपने सही पहचाना है महारानी, यही है देवों के देव महादेव, यही है शिव आपके दामाद। महारानी, महादेव को देखकर महारानी मैना मूर्छित हो गई, साथ ही ये बारात भी रुक गई है। हे प्रभु, अब क्या होगा?
होने नहीं दे सकती। पार्वती, तुम और शिवजी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। उनका रहन सहन, जीने का ढंग, उनका स्वभाव सब कुछ तुमसे भिन्न है पुत्री। मैंने महारानी के मन में संशय तो उत्पन्न कर दिया, किंतु कहीं ये शंका इस विवाह में विघ्न का कारण ना बन जाए। विवाह के बाद ऐसे ससुराल में तुम्हारे लिए रह पाना संभव कैसे हो पाएगा? ऐसे व्यक्ति के साथ तुम कैसे सुखी रह पाओगी पुत्री? नहीं नहीं, मैंने जो देखा है मैं उसे नहीं भुला सकती। मैं ये विवाह नहीं होने दे सकती। माँ, 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 मैं आपकी चिंता समझती हूँ, पर मेरे लिए शिव और उनका हर रूप सच्चा है, सुंदर है, वो बहुत पवित्र है। माँ, बहुत दूर है दिखावे से। आप जानते हैं ऐश्वर्य और वैभव उनके दास हैं, पर फिर भी साधारण जीवन जीते हैं वो। अपनी सारी इच्छाएं त्याग चुके हैं, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। उनकी जीवन संगिनी बनकर जीवन के पथ पर उनके साथ चलना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? पार्वती, मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? आप ही समझाइए ना इसे। यदि ना समझे ना तो कुछ भी करके किसी भी तरीके से इस विवाह को रोक दीजिए। पर मैं शिव से प्रेम करती हूँ। माँ, मेरी मन की भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। माँ, एक बार, सिर्फ एक बार उन्हें मेरी आंखों से देखिए। और उसके बाद भी यदि आपको लगा कि उनका साथ मेरे लिए उचित नहीं है तो आप जो कहेंगे मुझे स्वीकार होगा। हे महादेव, मेरी माँ आपके स्वरूप के दर्शन करने में असमर्थ है, इसलिए मेरी विनती स्वीकार कीजिए। आँखों को हर्षित करने वाला, मन को सुख देने वाला कामेश्वर रूप धारण कीजिए प्रभु। अब कौन सी नई करवट ले रहा है संसार का भाग्य? महादेव ने अपना कामेश्वर रूप धारण कर सबको उत्साहित कर दिया था। बहुत ही भव्य, तेज, अलौकिक शिव।
महादेव के उस अति मनमोहक अति दर्शनीय मुख देखने के बाद उनका स्वागत हुआ। महाराज हिमवंत और महारानी मैना, इन दोनों ने उनके चरण पखारे। वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। मैं हर पल इस ही क्षण की प्रतीक्षा में व्याकुल रहती थी प्रभु। मैं भी बड़ी आतुरता से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था प्रिय। आप ही मेरी शक्ति हैं। आपके बिना मैं अपूर्ण था। देवी पार्वती और महादेव ने अग्नि के सामने फेरे लिए और एक दूसरे को जयमाला पहनाए। इस प्रकार उनका विवाह संपन्न हुआ और दसों दिशाओं में प्रसन्नता छा गई। मेरी माँ की इच्छाओं का मान रखकर आपने मेरी भी इच्छाओं का मान रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद स्वामी। इसमें धन्यवाद कैसा प्रिय, ये तो मेरा कर्तव्य है। और इस तरह देवी पार्वती और महादेव ने एक दूसरे का सम्मान रखकर संसार के समक्ष एक आदर्श जीवन साथी होने का प्रमाण रखा। फेरे संपन्न हुए, अब आप दोनों अपना स्थान ग्रहण कीजिए, बैठिए। कन्यादान के लिए वधु के माता पिता आगे आए। Dum dum ta ra 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 ta na re na.
ये किस चिंतन में आ गए हैं महाराज और महारानी? महारानी मैना और महाराज हिमवत पुनः हिचक रहे थे प्रभु। किंतु महादेव से अधिक संपन्न तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तीनों लोकों के स्वामी वो स्वयं ही तो है, और अब तो ये बात वो दोनों भी जानते थे। फिर किस कारण चिंतित थे वो प्रभु? ये सब महर्षि नारद की करनी का परिणाम था मूषक जी। पर प्रभु, वैसे तो महादेव और देवी पार्वती के विवाह में अड़चन उत्पन्न हो गई, परंतु इस शंका के कारण महाराज हिमवन और महारानी मैना ने विवाह रोक दिया। तो ये क्या हो गया मुझसे? एक अनर्थ रोकने की चाह में मैंने एक नई अड़चन को उत्पन्न कर दिया। हिमालय पर्वत की रक्षा करने हेतु महाराज तथा महारानी के मन में महादेव के लिए शंका तो उत्पन्न कर दी महर्षि नारद ने, पर उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि शंका उत्पन्न तो शीघ्र हो जाती है, किंतु उस शंका से मुक्त होने में हृदय को बहुत समय लग जाता है। तारकासुर ऋषियों से अपनी पूजा करा करा के दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। यदि इस विवाह में और विलंब हुआ तो तारकासुर खुद को इतना शक्तिशाली बना लेगा कि उसे रोकना संभव हो जाएगा।